हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिव इंग्लिश एजुकेशन। और आज का हमारा लर्निंग टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। असली दोस्त मिलना मुश्किल है, उसे इंग्लिश में कहेंगे रियल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, रियल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। मैंने जो कहा उसके लिए मुझे खेद है, उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। क्या हम फिर से मित्र हो सकते हैं? उसे इंग्लिश में कहेंगे कैन वी बी फ्रेंड्स अगेन, कैन वी बी फ्रेंड्स अगेन। मुझे नहीं पता कि और क्या कहना है, उसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। आपने एक लंबा सफर तय किया है, उसे इंग्लिश में कहेंगे यू हैव कम अ लॉन्ग वे, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। हमेशा ऐसा नहीं होता, उसे इंग्लिश में कहेंगे दैट्स नॉट ऑलवेज द केस, दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। मैं सहमत नहीं हो सकता, उसे इंग्लिश में कहेंगे आई कांट अग्री, आई कांट अग्री। आपको बाधित करने के लिए खेद है, उसे इंग्लिश में कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। यह सच नहीं है, उसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर जरूर करें। मैं आपके नजरिए को समझ सकता हूँ, उसे इंग्लिश में कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, आई कैन अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं, उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यह आप पर निर्भर करता है, उसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। मुझ पर चिल्लाओ मत, उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट येल एट मी, डोंट येल एट मी। और कोई बहस नहीं चाहिए, उसे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स अग्री टू डिसअग्री, लेट्स अग्री टू डिसअग्री। वेस्ट टाइम, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह सच नहीं है, मुझ पर चिल्लाओ मत। इन सभी का इंग्लिश सेंटेंस याद करें और हाँ, आपके आंसर मुझे कमेंट करना ना भूलें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर जरूर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।